गुलाम तो खैर आज भी है, लेकिन लोग समझते नहीं है। आज भी हम मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि भारत की मूल समस्या यहाँ की ऊंच नीच की जाति व्यवस्था है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें ऊंच नीच की जाति व्यवस्था को ही समाप्त करना है। जो जनरल लोग थे वो कहते थे तुम तो आरक्षण से आ गई हो, सरकार नहीं करना चाहती। जाति की जनगणना कभी नहीं हुई, मनुष्यों की करेंगे, गाय भैंस नल सबकी कर लेंगे, लेकिन जाति की जनगणना ही करते नहीं। जब तुमने जातियों में बांटा है, जाति का जनगणना इसलिए जरूरी है, तो जाति की जनगणना करेंगे तो हमें पूरे हक अधिकार मिलेंगे। हमें न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए। मेरी जहाँ तक सोच है, संगठन कोई भी हो, समाज पहले है मेरा। संगठन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी काम करिए, लेकिन सोच सामाजिक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों की अभी सोच सामाजिक नहीं है, वो सोच बदलना ही नहीं चाहते। तो पहले हमें अपनी सोच बदलनी है। जैसे पैगाम फूले अंबेडकरी गौरवशाली और आदर्शवादी मुहिम, ये पैगाम सितंबर 28 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई है, तभी से काम कर रहे हैं हम लोग इस पे सामाजिक परिवर्तन का। लेकिन ये जो हमारा WTP है, वी द पीपल, ये भी सामाजिक संगठन है, लेकिन हमें सभी प्रकार से काम करना है। जैसे हमारे ये मुद्दे हैं सामाजिक न्याय, तो हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला है, हमें उसी पे काम करना है। तो मैं सबसे पहले बताती, मैं 4 पॉइंट पे बात रखूंगी। पहला पॉइंट है मेरा जातिगत जनगणना। हमारे जो समाज के लोग हैं वो सोचते हैं सरकारी नौकरी में आ गए तो हम काम नहीं कर सकते हैं, जबकि सबसे पहली ड्यूटी उन्हीं की थी। बाबा साहब कह गए मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है, क्योंकि आरक्षण से नौकरियां उन्होंने ली हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा ड्यूटी है। जो मेरे भाई बहन गरीब हैं, जिनके पास 2 जून की रोटी भी नहीं है, वो 200-300 रुपये रोज कमा रहे, वो कहाँ से समाज में परिवर्तन करेंगे, कहाँ वो मीटिंग करेंगे। तो इसलिए जो भी हमारे नौकरी वाले भाई हैं, उन लोगों को सबको संगठित होकर कार्य करना है, एकजुट होकर काम करना है, तभी हम सक्सेस होंगे। नहीं, हम कितनी भी मीटिंग कर लें, कितना भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। और काम जमीन पे करना है, घर घर जाके करना है, लोगों से मिलना है, बताना है कि अभी असली काम क्या है, उनको पता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं हमारे महापुरुष क्या क्या करके गए हैं, क्योंकि हमें तो पक्का पकाया मिल गया ना, सब कुछ बना बनाया, जैसे घर बना बनाया मिल जाता है और उसमें व्यक्ति रहने लगता है, उसी प्रकार हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन दे दिया हम बहुजनों के लिए। और नहीं तो हम गुलाम तो खैर आज भी है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। आज भी हम मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि भारत की मूल समस्या यहाँ की ऊंच नीच की जाति व्यवस्था है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें ऊंच नीच की जाति व्यवस्था को ही समाप्त करना है। और वो कैसे होगी कि महात्मा ज्योतिबा फूले अपनी किताब गुलामगिरी में लिख कर गए हैं कि हम एक ही पिता की औलाद हैं, फिर काय को हम जातियों में विभाजित हैं। हमें 6,743 जातियों में बांट दिया है, क्यों हम क्यों बटे हुए हैं, ये हमें सीखना है। हम यहाँ आते हैं, मीटिंग करते हैं, और मेरा कहने का अर्थ यही है कि मन से, इसको मानसिक गुलामी बोलते हैं, मानसिक सोच बोलते हैं, जब दिमाग से निकाल देंगे तो जाति व्यवस्था अपने आप नष्ट हो जाएगी। जातिगत जनगणना, उस पर मैं बात रखती हूँ। हमारे भारत में 1931 में जब अंग्रेजी शासन था, उस समय पॉपुलेशन थी OBC की 52%। तो आज जब 2024 चल रहा है तो जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन आरक्षण कितना दिया है, 27%, और उसमें भी क्रिमिनल है।
तो इसलिए जाति का जनगणना बहुत जरूरी है। और इनको पता है, ये जो दूसरी व्यवस्था के लोग हैं, इनको पता है कि जनगणना अगर कर दी तो ये मर जाएंगे, क्योंकि फिर पूरा जो 60-62% ओबीसी की पॉपुलेशन है वो पूरा उतनी हक मिलेगा, उतना ही रिजर्वेशन मिलेगा। एससी को 15% मिला है, लेकिन उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। जाति का जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं है। मैं किसी भी, जब मैं नौकरी करती थी, जो जनरल लोग थे वो कहते थे तुम तो आरक्षण से आ गई हो। अरे भाई, हमने 15, 7.5 और 27 और ओबीसी को तो प्रमोशन में वो भी नहीं है, क्योंकि मैं प्रशासनिक अधिकारी रही, मुझे पता है कैसे रोस्टर बनाते हैं ये लोग। अभी रोस्टर में भी बात रखूंगी ना। तो इसलिए ये जागरूक हो जाओ, हमें पूरे हक अधिकार सामाजिक न्याय नहीं मिला। लोग आरक्षण कहते हैं, अरे हमें मिला हुआ है 49.5, काउंट कर लीजिए 27, 15 और 7.5, हमें 49.5 मिला है, और उन लोगों को मिला हुआ है 51.5, जबकि उनकी पॉपुलेशन 10% है। तो ये सोचने का विषय है, क्यों मिला है, क्यों नहीं हमने इस पर बात रखी? क्योंकि वो रखने ही नहीं देते, वो पहले से पहले बोलने लगते हैं। वो जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो कहते हैं आरक्षण तो तुम ले रहे हो, हमारे बच्चे के 99 नंबर आ रहे, तुम्हारा बच्चा 30% पे भी नौकरी पे लगा हुआ है। अरे बेवकूफ हो, हमारे लोग 33% नंबर नहीं ला रहे, हमारे बच्चे भी 99% नंबर ला रहे। तो ये बहुत सोचने का विषय है। तो इसलिए जाति का जनगणना होनी चाहिए, जहाँ भी जाओ बात रखो कि ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सरकार नहीं करना चाहती, सेंसस होती है, किसकी जनगणना होती है? मनुष्यों की। जाति की जनगणना कभी नहीं हुई, मनुष्यों की करेंगे, गाय भैंस नल सबकी कर लेंगे, लेकिन जाति की जनगणना ही करते नहीं है। जब तुमने जातियों में बांटा है 6,747 जाति में हमें बांट दिया है, तो जनगणना करो ना। 10 साल में सेंसस होती है, वो जनगणना सिर्फ मनुष्य की होती है, ना कि जाति की। तो जाति की जनगणना करेंगे तो हमें पूरे हक अधिकार मिलेंगे, हमें पूरा 85% या 90% जिसमें हमारी पॉपुलेशन है, जब आएगी खुल के कि हम कितने लोग हैं, तो हमें उतना आरक्षण मिलेगा, हमें जो नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है ठेकेदारी। ठेकेदारी में देख लीजिए, जितने भी भारत सरकार के कार्यालय हैं, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो सब इनको दिए जा रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं, हमारे लोगों को कहाँ देते हैं? पैसे ही नहीं है। और कुछ लोग हमारे जाते भी हैं तो हमारे कागजों में कमी कर देते हैं, हमें वहाँ ठेका ही नहीं देते हैं। क्योंकि मैं खुद आंखों से देख रही हूँ, मैं निर्माण भवन में थी, मैं अपनी बहन के बच्चे तक को नहीं लगा पाई, लेकिन उनके जनरल के सारे, तिवारी मिश्रा, सारे कॉन्ट्रैक्ट पर लगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर रखते भी है तो अपने ही लोगों को रखते हैं। ये बहुत हमें सोचने के विषय हैं, इस पर हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इन्होंने जानबूझ के ये कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी प्रथा रखी है, ताकि इन्हीं का ही सब कुछ हो, इन्हीं के लोग रहे और हमारा सब कुछ समाप्त हो जाए। निजी शहर, निजी क्षेत्र में जो प्राइवेटेशन है उसमें आरक्षण नहीं है। जो प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, वहाँ कहाँ आरक्षण है? हम चाहते हैं उसमें भी आरक्षण मिले हमें, हमें उसमें भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो हमें न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए। और मैं रोस्टर की दो मिनट में बात ख़त्म करूँगी, रोस्टर का बता देती हूँ मैं आपको। रोस्टर में क्या होता है, अगर वैकेंसी 4 है, अगर सपोज़ कहीं 4 वैकेंसी निकली है, तो ये 13 पॉइंट रोस्टर यूज़ करेंगे। और 13 पॉइंट में क्या करेंगे, पहला जर्नल, दूसरा जर्नल, तीसरा जर्नल और चौथा देंगे। मैं भर्ती की बात कर रही हूँ, रिक्रूटमेंट की। चौथा ओबीसी को देंगे और एससी गया भार में, एससी को नहीं मिलेगा, एससी को नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 ही वैकेंसी थी। तो ये रोस्टर सिस्टम भी इन्होंने अपनी मर्जी से, जो DOPT में बैठे हैं सारे, मैं जाती हूँ ना, मैं तो प्रतिदिन जाती थी जब नौकरी में थी, मेरा काम ही DOPT में था सारा। तो इसलिए मुझे पता है वहाँ सारे जो उनके नेम प्लेट लगे हुए थे, सारे मिश्रा, तिवारी, भारद्वाज, यही लगे हुए अंडर सेक्रेटरी सारे हुए, क्योंकि हमारा काम अंडर सेक्रेटरी से पड़ता था, तो मैं देखती थी वो काम हमारी सुनेंगे। तो इसलिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाओ। और अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट रोस्टर में,
ये तो चार वैकेंसी की होगी, सपोज 20 वैकेंसी है तो 20 वैकेंसी में क्या करते हैं ये, तभी 13 पॉइंट रोस्टर यूज करते, तभी ये 40 पॉइंट रोस्टर नहीं लूज करते, 13 पॉइंट करेंगे, 13 में क्या करेंगे, सातवां दे देंगे, 14 एससी को दे देंगे, जब 15वां पॉइंट आएगा एससी का खत्म, फिर वो क्या करेंगे 14 के बाद फिर 1, 2, 3, 4 फिर जनरल, इतनी धांधलेबाजी हो रही है, इसलिए हमारे लोगों नौकरी पे नहीं है, हमें पूरा आरक्षण नहीं मिला हुआ क्योंकि हम इसके प्रति जागरूक नहीं है। मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी जब मुझे हाथ में रोस्टर आए, जब मेरे को पूरा कमांड मिली तब मुझे पता लगा। और एक कहानी, ये रोस्टरों पे भी फ्लूड लगा देते हैं, रोस्टर पे भी फ्लूड लगाते, जैसे ही सातवां नंबर आएगा सीधा जनरल को दे देंगे, फ्लूड लगा देंगे, लिख देंगे नॉट फॉर सूटेबल, इतना लिख देते हैं। तो ये सच्चाई है, तो मैं इतना ही कहूँगी, बाकी है कि ज़मीन पे काम करो, सामाजिक काम करो और लोगों से मिलो, क्योंकि ये भाषण सुन के इससे कुछ ना होने वाला, काम होगा घर जाओगे। फार जल्दी साहब कहते हैं एक दिन में एक व्यक्ति को भी आपने समझा दिया तो वो आगे दूसरे को समझाएगा, और एक व्यक्ति जब काम वाला मिल जाता है जो काम करने की ताकत रखता है वो 100 के बराबर है। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना कि हमें भीड़ इकट्ठी करनी है, बड़ी मीटिंग करनी है, नहीं, कोई भी जाए, बस हो, घर हो, मोहल्ला हो, जहाँ जाओ समाज की चर्चा करो, समाज ही जीवन है, समाज की चर्चा करोगे तो पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब का कर्जा चुका पाओगे और अपने महापुरुषों का कर्जा चुका पाओगे। इसलिए हमें समाज में ज़मीन पे काम करना है। धन्यवाद।